द एग्जाम वेर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एच सी एस मेन्स एग्जाम 2024 हिंदी साहित्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र। 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है जिन अभ्यर्थियों का हिंदी साहित्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र है और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न पत्र लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र और पिछली बार की तुलना में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। खंड आ से यहाँ पर प्रश्न हैं, 150 प्रत्येक के लिए शब्द सीमा है और 8 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर पहला है आरंभिक हिंदी और पुरानी हिंदी को स्पष्ट करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे गए हैं और हिंदी वैकल्पिक में वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते हैं। आरंभिक हिंदी और पुरानी हिंदी को स्पष्ट करना है यानी कि अंतर बताना है। मध्यकाल में ब्रज बोली से भाषा कैसे बनी यानी कि जो ब्रज भाषा है उसका विकास आपको बताना है। इसके बाद अगला है मानक हिंदी के विकास को स्पष्ट करना है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट करना है और हिंदी व्याकरण के वैशिष्ट को स्पष्ट करना है। ठीक है, ये भाषा खंड है, भाषा खंड से ये 40 अंक के प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पहला है यहाँ पर भक्ति काल को क्यों पढ़ना चाहिए। SCS ने पहली बार इस तरह का प्रश्न पूछा है कि भक्ति काल को आखिर क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी की जो विश्लेषणात्मक क्षमता है उसका पता चलेगा, एनालिटिकल अप्रोच का पता चलेगा कि आखिर भक्ति काल को क्यों पढ़ना चाहिए। एक लाइन में यदि बात करें तो भक्ति काल में जो भक्ति कवि हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो उससे व्यक्ति में नैतिकता एवं अध्यात्म का विकास होता है, साथ ही साथ जो उसका चारित्रिक उत्थान है वो भी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है वीर गाथा काल के वैशिष्ट को निरूपित कीजिए। हिंदी नवजागरण और बालकृष्ण भट्ट पर प्रकाश डालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थ चित्रण पर प्रकाश डालना है। ठीक है, प्रेमचंद आप जानते हैं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे, नाटककार उपन्यासकार थे, तो यहाँ पर यथार्थ चित्रण पर ही प्रकाश डालना है। हिंदी कहानी में मोहन राकेश का योगदान क्या रहा स्पष्ट करना है। हिंदी नवजागरण में भारतेंदु के नाटकों के योगदान पर प्रकाश डालना है। 300 शब्दों में लिखना, 15 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर आलोचना से है, हिंदी आलोचना का विकास, डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना कर्म पर प्रकाश और हिंदी ललित निबंधों के वैशिष्ट्य। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव खंड बा से है, यहाँ पर कबीर की भक्ति पर प्रकाश डालना है। पहला प्रश्न है खंड बा का, 150 में लिखना है। कबीर से संबंधित दोहे आप जानते हैं, हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे में भी पूछे गए थे। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, इसमें आप लिखेंगे, और उनकी जो ब्रह्म लीला है वो बिहारी नहीं, इसके बावजूद उनकी जो भक्ति है वो भावना उत्कृष्ट है और भक्ति का आधार क्या है, प्रेम है, और प्रेम के लिए आप जानते हैं आलंबन की आवश्यकता होती है। कबीर के जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार परमात्मा है, घटघट में निवास करने वाले हैं। कबीर ने परमात्मा से मिलने के लिए शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही कबीर का लक्ष्य भी है, और इस मिलन के लिए कबीर ने ज्ञान का जो दार्शनिक रूप है उसको महत्व नहीं दिया है बल्कि प्रेम को श्रेय कर माना है। कबीर ने आत्मा को पत्नी और ईश्वर को पति के रूप में मान करके दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से इस मिलन का चित्रण किया है। ठीक है, इसलिए कबीर प्रेम और भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हालांकि नवधा भक्ति के जो सभी रूप हैं वो कबीर में मिल जाते हैं, कबीर की भक्ति में, परंतु कबीर प्रेमा भक्ति को ही ज़्यादा श्रेय कर मानते हैं। कबीर ने भले ही गुणातीत ब्रह्म का निरूपण किया है लेकिन उनका जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। ठीक है, इसके बाद अगला है तुलसीदास के लोक मंगल बोध को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है राज्यों की बीसीएस परीक्षा में और UPSC हिंदी ऑप्शनल पेपर में भी पूछा जा चुका है सिविल सेवा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, इसी का थर्ड है भ्रमर गीत निर्गुण और सगुण की विजय का काव्य है। नागमती विरह वर्णन का उल्लेख करना है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स है भारत भारती की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना है। ठीक है, कामायनी के महाकाव्यत्व पर प्रकाश डालना है, निराला की राम की शक्ति पूजा का जो वैशिष्ट्य है उसको निरूपित करना है, और क्वेश्चन नंबर सेवन भारतेंदु की भारत दुर्दशा क्यों पढ़ी जाए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर फिर पूछा है कि क्यों पढ़ी जाए, तो आप जानते हैं भारत दुर्दशा 1875 में लिखी गई थी। ठीक है, उस वक्त अंग्रेजों का शासन था भारत में, और भारत दुर्दशा एक लघु नाटक है जिसमें नव जागरण चेतना और राष्ट्रीय बोध विस्तृत रूप से अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, कुछ काल्पनिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है जिसके माध्यम से भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा
में जो भारत की दुर्दशा है उसको स्पष्ट किया है। ठीक है, चंद्र शुक्ल के निबंधों का वैशिष्ट उद्घाटित करना है, मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है, यशपाल के दिव्य उपन्यास में अभिव्यक्त स्त्री प्रश्नों पर प्रकाश डालिए। यही सच है, कहानी की समीक्षा करनी है और प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी क्यों पढ़ी जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है कि आज भी क्यों पढ़ी जाती हैं। तो आप जानते हैं, समकालीन समाज की जो समस्या है उसको उजागर किया। जैसे गोदान उदाहरण के लिए लें तो तत्कालीन समय में समस्या थी और आज भी समस्या बनी हुई है। प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थ चित्रण मिलता है, आदर्श के साथ साथ यथार्थ का संबंध में भी है। सामाजिक परिवेश एवं राजनीतिक परिवेश की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसके अलावा पूंजीवाद, समाजवाद, वर्गभेद इत्यादि का भी प्रेमचंद की कहानियों में चित्रण मिलता है। तो ये था SCS मेंस एग्जाम 2024 हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसका यदि आप सलूशन चाहते हैं तो आपको एक सप्ताह से 10 दिन में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।